इसका ना आंसर समझने के लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास। आपने कभी लुईस थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस के बारे में सुना है? लुईस की थ्योरी ये कहती है कि बेस इज समथिंग विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड सानवी फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इट मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट। मीन्स एनीथिंग विच हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट मीन्स जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना क्लास। सो हमें लुईस ने बोला था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेस होता है और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑल द एनायंस और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मस्ट बी बेस। दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि भैया एनीथिंग विच हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अवर एनायंस एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो क्या दोनों सेम चीजें हैं? और कनिष्ठ अगर दोनों सेम चीजें हैं तो हम ये क्यों नहीं कह देते डेफिनेशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द बेसिस एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर द एसिड्स। हमने ऐसा तो बोला नहीं। तो दो डेफिनेशन है जिसके अंदर एनायंस आते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनायंस बेस हैं बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज अगेन दे हैव नेगेटिव चार्ज ओवर देम एंड दे आर पॉजिटिव चार्ज देम। ठीक है, तो ये है क्या, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों में डिफरेंस है? एंड द आंसर इज यस, दोनों में डिफरेंस होता है। दे आर नॉट सेम कि एनायंस दोनों में आते हैं, बेस में भी और न्यूक्लियोफाइल में भी। दोनों की एग्जाम्पल सेम सेम है पर दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है गणेश, एनीथिंग में बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और में बिहेव एज बेस इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। बहुत सारे तरीके हैं इसको पता लगाने के, बट एक हार्ड कोड जो रूल है जो आपको हेल्प करेगा। Let's say for example there is an electron rich species. हमने ये देखेंगे let's say again और एक cation है और एक proton है। Now this electron rich species the anion will have affinity for the positive charge. वो CH3 positive की तरफ भी attract होगा और H positive की तरफ भी attract होगा। But we'll see हर if this anion has strong tendency or strong affinity for the H positive ion, it has strong tendency to form bond with H positive ion, it will be called a base. And if it has strong affinity for a carbocation, it will be called a nucleophile. See? And when something behave as a base, elimination reactions takes place. And when something behave as a nucleophile, nucleophilic substitution takes place. Is it okay, class? So, ab baat again. So, let me repeat here again. A species, for example, OH negative, F negative, Cl negative, हो सकता है कभी nucleophile की तरह behave करें, कभी base की तरह, it depends upon n number of factors. But ये एक मोटी मोटी बात है, कुछ चीजें और आएंगी इससे आगे चले समझ? ठीक है, done. So the next thing is, अपने इस question पर वापस आते हैं, इस question का इस सारे concept से क्या लेना देना? देखो हमें यहां बात करनी है एक्वस के ओएच और अल्कोहलिक के ओएच की। पहले बात करते हैं एक्वस के ओएच की। इन एक्वस के ओएच, के ओएच इज डिसॉल्वड इन वाटर। सो के ओएच विच इज अ बेस व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन वाटर इट विल डिसोशिएट टू गिव के पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव। And this OH negative ion form behave as a strong nucleophile.
and that's why it replaces the halogen and the nucleophilic substitution occurs. The problem is with the second one, that is alcoholic KOH. Plus alcoholic KOH is nothing but mixture of alcohol and KOH. The KOH is this time dissolved in alcohol. N-class alcohol behaves like an acid and KOH is a base. तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी. ये H और ये OH साथ जाएंगे, H2O बनाएंगे. और जो RO है वो K के साथ जाएगा, बनाएगा RO नेगेटिव K पॉजिटिव. अगर मैं K पॉजिटिव को इग्नोर कर दूं तो ये जो बना है ना, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन. एंड समर्थ दिस वन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. एंड व्हेन दिस वन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? एलिमिनेशन. तो टू द पॉइंट आंसर इज इन एक्वस KOH OH नेगेटिव आयन इज फॉर्म विच बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. वेयर इज इन एल्कोहलिक KOH alkoxide ion is formed which behave as a strong base. That one behave as a strong nucleophile. ठीक है? अच्छा समर्थ, ये strong base क्यों हो गया भैया? ये nucleophile क्यों नहीं है? उसका बड़ा valid सा reason है. देखो, अगर मैं compound बना देता हूँ CH3CH2Cl, तो ये जो RO है ना, ये R एक bulky group है. Bulky group क्या करता है? हमने SN1 SN2 में पढ़ा था, steric hindrance create करता है. तो अगर ये OH RO नेगेटिव जाकर के इस पे अटैक करके Cl को रिप्लेस करने का प्लान बनाए बिना, मतलब न्यूक्लियोफाइल बनने की कोशिश भी करे, तो ये मिथाइल ग्रुप उसे रिपेल करेगा. और इसके पास ऑक्सीजन के पास अपना भी एक एल्काइल ग्रुप है, दोनों में होगी रिपल्शन. हर्ष होगा क्या? बिकॉज ऑफ विच O पहुंच ही नहीं पाएगा उस कार्बन तक, स्टेरिक हिंड्रेंस. तो बिकॉज ये बल्की सा ग्रुप हो गया, OH तो छोटा सा ग्रुप था जी, पहुंच गया कार्बन तक, अभी हो गया एक बल्की ग्रुप. तो जब ये बल्की ग्रुप हो गया ना, तो ये रेदर देन अटैकिंग ऑन दी कार्बन, ये क्या कहेगा कि एक काम करता हूं, मैं बगल वाले से ना भैया एच ही निकाल लेता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है. और जब इसने एच निकाल दिया तो ये बेस कहलाएगा. ठीक समझ? तो इसके बल्कीनेस की वजह से. बट जब मैं, अच्छा इसको स्टेटमेंट वाइज इसे नोट कर रहा है क्या कोई? ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे ना क्लियर छोड़ देता हूँ, जो आपको व्हेन यू विल बी राइटिंग आंसर तो आपको उसमें लिखना होगा. ये पार्ट, इस पार्ट को इसी फॉर्मेट में नोट कर लो. जब अपना आंसर लिखोगे ना बोर्ड में भी, तब ये सब कुछ ऐसा ऐसा बना देना. बाय डूइंग दिस दे कम टू नो कि आपने सही आंसर लिखा है, भले कहानी में कुछ भी हो अंदर. जिनका बायो उनको बताते होंगे सर कि फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम के फॉर्म में आंसर करो तो आपके मार्क्स, आपके आंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. द सेम इन केमिस्ट्री आल्सो, ऐसा ऐसा कुछ रिएक्शन लिख दोगे वो समझ जाएंगे कि आपको आता है.